Assalamualaikum, Namaste, Sasriyakal, Happy Raksha Bandhan Day to you all, my beautiful YouTube family. So friends, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं रक्षाबंधन से ही रिलेटेड है. इतना खूबसूरत उत्सव है तो जाहिर सी बात है उस पर हम वीडियो लेकर ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो जानते हैं कि रक्षाबंधन डे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है. वैसे मैं भी व्लॉग लेकर आ रही हूँ इसके ऊपर. सो आप लोग उसके लिए मेरे साथ कनेक्ट रहें मेरे साइमा पीरजादा व्लॉग चैनल पर. पहले से याद दिला रही हूँ तो मुझे फॉलो कर लो साइमा पीरजादा व्लॉग चैनल पर, तो आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे व्लॉग्स. ठीक है, तो आज जो हम वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं ना, उसका टाइटल होने वाला है बेस्ट ऑफ रक्षाबंधन एड्स. मतलब कि ये एड्स हैं जो कि रक्षाबंधन के ऊपर बने हुए हैं. डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज होंगी, बट मजा आएगा देखने में, जानने को भी मिलेगा कुछ इमोशनल, कुछ हैप्पीनेस, मतलब बहुत सारी चीजें. सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से देख सकते हैं. चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी. मम्मा, मैं रायना से इस बार राखी नहीं बनवाऊंगा. जब देखो लड़ने को आती है माँ, बहन है या ड्रैगन, और अगर आपने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की ना. अरे भाई बहन में तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कौन सी नई बात है. ऐसे ना दो दिन नहीं बिता सकते तुम मुझसे बात किए बिना. और देखा है मैंने चुपके चुपके फोन पर उसके लिए राखी के गिफ्ट ढूंढते हुए. राखी नहीं बनवाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है. आपने भी तो पिछले 8 सालों से मामू को राखी नहीं बांधी माँ. धागा ये रंग बिरंगी डोरियों का, क्या है सांस लाया है समेट के, ना आज के रहे ना हम कल के, यादें हैं मोड़ लाया ये कुरेत के. मम्मा, आपने मेरा मोबाइल चार्जर देखा है क्या कहीं? हाँ हाँ देती हूँ. मिस्टर कपूर, यस, दिस इज फॉर यू. ओके, किसने भेजा? अगर दीदी आपसे अब तक नाराज होती तो ये राखी कभी नहीं भेजती. और फिर नाराजगी की वजह कितनी भी बड़ी हो, भाई बहन के प्यार के सामने तो बहुत छोटी होती है. Close your eyes. Okay. मेरा आशीर्वाद है कि भगवान करे तुझे ऐसा पति मिले जो रोज तेरी डांट खाए और मुझे छुटकारा मिले. पापा आपने देखा उसने क्या किया? He's gone. बेटा तुम्हारा गिफ्ट कमरे में है. बचपन की शैतानियां, दादू की कहानियां, तेरा रूठ जाना और वो करना मनमानियां, प्यार बुलाया है लपेट के. अब बांध भी खुद ही दे. धागा ये रंग बिरंगे डोरियों का, क्या है सांस लाया है समेट के, गाए रंग बिरंगी डोरियों का, क्या है सांस लाया है समेट के. मेरा भाई मुझसे 10 साल छोटा है, तो मैं उसकी दीदी, मम्मी, दोस्त, दुश्मन सब कुछ बनी हूँ. आई रिमेम्बर एवरीथिंग सो क्लियरली, बट कई सालों से वी हैव नॉट हैड टाइम फॉर ईच अदर. बट एनीवे,
दिस राखी आई हैव क्लियर माय डेट्स एंड आई हैव डिसाइडेड आई एम गोना स्पेंड टाइम विद सूरी टू सरप्राइज हिम आई एम गोना रिक्रिएट माय फेवरेट बेबी पिक्चर ऑफ हिज उसके लिए मुझे चाहिए सेम कुर्ता थोड़ा बड़ा सेम कुर्सी थोड़ी बड़ी और सूरी थोड़ा ज्यादा बड़ा टरा दीदी ये क्या है योर सरप्राइज तुम तुम्हारी फेवरेट येलो चेयर पे मैं नहीं चलो कम ऑन चलो सूरी चलो ना कम से डू दैट पोज नाउ सेम पोज डू कम ऑन इस राखी कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए रिक्रिएट एन ओल्ड मेमोरी विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड शेयर इट विद द हैशटैग राखी रिवाइव कुछ लोग जिंदगी में कभी नहीं बदलते जैसे कि मेरा भाई सुनता नहीं इसे बस एक मौका मिलना चाहिए मुझे छेड़ने का मुझे परेशान करने का जाने क्यों उल्टी तेरी मेरे लिए एक पानी का ग्लास लाने में भी इस महाशय के पांव दुखते इसको पता है कब अब देखो जरा सुधरेगा तू किस्सा मेरा आधा है तू हिस्सा गलतियों से इसका पुराना रिश्ता है फिर भी दुनिया से इसकी हर गलती छुपाती हूँ मैं सदियां बीत गई इससे एक कॉम्प्लीमेंट पाने में रा 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 रे रा रा ना। लेकिन मजाल है कि वो मेरा सर झुकने दे बात बात पे मुझे चिढ़ाने वाला मेरा ये छोटा भाई न जाने कब बड़ा हो गया किस्सा मेरा आधा है तू हिस्सा मेरा आधा है तू सेलिब्रेट रिलेशनशिप्स विद अमेजिया द फैमिली क्लब राखी बांधने के बाद ना उसे अपने एक फ्रेंड के यहाँ जाना है छोड़ा ना यार मॉम मैं नहीं जा रहा अभी ड्राइव करके मेट्रो ले लेंगे छोटी बहन है तेरी जरा भी फिक्र नहीं है अच्छा फोन कर जरा पता नहीं कहाँ रह गई सॉरी ये मेरी रक्षा करने के लिए ये एक और राखी क्यों गिफ्ट एक ही मिलेगा और ये मेरी रक्षा नहीं करने के लिए कोचिंग के बाद मेरे पीछे पीछे आके जासूसी नहीं करने के लिए रात के 10 बजे किसका फोन आया ये नहीं पूछने के लिए मेरा पासवर्ड जानते हुए भी मेरा फोन चेक नहीं करने के लिए छोटी बड़ी हर लड़ाई में खुद लड़ पाऊं इस बात का कॉन्फिडेंस देने के लिए मेरी लाइफ का हर डिसीजन मेरा ही हो इस बात में मम्मी से लड़ने के लिए मुझे सिर्फ एक छोटी बहन नहीं अपने बराबर का समझने के लिए तो बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड इस राखी अपने भाई को एक और राखी बांधिए एक अपनी रक्षा के लिए और एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा के लिए
Moments by Schmitten Luxury Chocolates. Moments make memories. दी जल्दी राखी वो जग रहते वाली जल्दी राखी बांध बांध यार प्लीज सुबह सुबह जाके ग्राउंड खोलता है क्या पापा इसका गिफ्ट दो ना पापा एक मिनट इसके लिए पैसे कहाँ से आए थे मेरे पास पर उससे तो अपना बैट लेने वाला था ना पुराने बैट पे 3-4 सेंचुरी बाकी है जा इस राखी कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए कैडबरी सेलिब्रेशंस सुन कितनी सुंदर लग रही है क्या जरूरत है ऐसे कपड़े पहनने की जा जाकर चेंज करके आ भाई को भी अनकंफर्टेबल लग रहा है अगर ये चेंज करेगा तो मुझे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है अपना एटीट्यूड पापा चाबी नई रोशनी नया विश्वास टीसी ज्वेला नए जमाने के हीरे देखा आपने वीडियो रक्षाबंधन का बेस्ट वीडियो था वैसे तो भाई बहन का रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग होता है और वो हमेशा ही रहता है और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में दुनिया में अगर कोई रिलेशन है जो हमेशा रहता है और कभी उसमें कमी नहीं होती है तो वो भाई बहन का ही रिश्ता होता है भले जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं झगड़े हो जाएं लेकिन इस रिलेशन को मतलब ये उतना ही स्ट्रांग रहता है भले जितना भी कुछ भी मुश्किलात सामने आ जाएं या फिर उतार चढ़ाव तो आपको पता है कि लाइफ में होते ही रहते हैं जहाँ पर दो लोग रहते हैं वहाँ लड़ाइयाँ भी होती हैं और भाई बहन तो ऐसा रिलेशन है कि वो बचपन से ही एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करते ही रहते हैं लेकिन जितना कहते हैं ना जिस रिलेशन में जितनी लड़ाई होती है उतना ही उस रिलेशन में प्यार भी होता है तो वही चीज़ इस वीडियो में भी हमें देखने को मिली तो वैसे तो ओवरऑल बहुत अच्छा है और ये एक ऐसा वाहिद डे होता है रक्षाबंधन का जिसमें आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी फीलिंग्स अपने भाई के साथ और एक वचन लेती है सिस्टर के तुम मेरे ये रक्षा करना मतलब एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट है तो खैर इसमें जो है वो हमने आज के जो वीडियो में देखा इसमें तो डिफरेंट थे और कुछ एड्स का भी था लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ मुझे सबसे ज़्यादा जो हार्ट टचिंग लगा जो मेरे दिल को छुआ वो था फर्स्ट वाला पार्ट जिसमें जो है सिस्टर 7 ईयर्स तक अपने भाई से बात नहीं करती है लेकिन अचानक से जो है वो फिर उसके पास गिफ्ट जाता है मतलब वो सिस्टर लड़ाई नाराज़ है बात नहीं करती लेकिन राखी भी नहीं बांधती लेकिन भेजती है अपने भाई को तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था आई थिंक कि उनके बेटे ने शायद ये जानबूझकर ही ऐसा किया था ताकि अपने जो है वो अपनी मदर को थोड़ा रियलाइज कराया जाए या उनमें दोस्ती सुलह भाई बहन में दोबारा से करवा दी जाए तो बहुत ही अच्छा था मोमेंट और सबसे ज़्यादा इमोशनल था जब उनके भाई वापाही से मतलब कि बैल बजी और वो आए और उन्होंने जिस तरह से मतलब उनके घर में खुशियाँ सी आ गई और वो सारा प्यार मोहब्बत जो है वो हमें देखने को मिला मतलब मैं आपको बताऊं कि ये खुशियों का मोमेंट होता है और आई थिंक कि इस डे में हर किसी को अपने गिले शिकवे नफ़रतें ख़त्म करके ना अपने अपनों में घुल मिल कर रहना चाहिए सो आई थिंक ये सबसे खूबसूरत मोमेंट होता है सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा गाइस आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस अपना ओपिनियन कि आप लोगों ने आपको इसमें सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग जो मोमेंट था वो कौन सा लगा एंड ऑल्सो मैं खुद भी कोशिश करूँगी इसके ऊपर व्लॉग करने की पाकिस्तान में किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी तो वो आप देखिएगा ज़रूर व्लॉग में तो व्लॉग का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ सो आप वहाँ से मेरे व्लॉग चैनल को भी देख सकेंगे चैनल का नाम साइमा पीरज़ादा व्लॉग है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग से व्लॉग्स देखने के लिए
सो ढेर सारा प्यार दें और इस तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट मैं भी आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। पाकिस्तान में हिंदुइज्म और हिंदू फेस्टिवल किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है वो सब आपको जानने को मिलेगा मेरे व्लॉग चैनल में। सो ओवरऑल अच्छा वीडियो था मेरी तरफ से, आप सबको बहुत बहुत हैप्पी रक्षा बंधन डे, बस खुश रहें और इंजॉय करें और इसी तरह से सेलिब्रेट करते रहें अपनी फैमिली के साथ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।